विकास से वंचित है दीघा के प्रभाग 5 का पूरा इलाका। नगर सेवक जगदीश गौते के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, अनिल गौते को समर्थन। भी 25 साल से बोलूंगा तो आज बनेगा, कल बनेगा, ये चुनाव में बनेगा, वो चुनाव में बनेगा, लेकिन रोड तो कुछ बने नहीं। बोले भोगदी से जाएगा, ऊपर से जाएगा, ऐसा बहुत आश्वासन दिया हमको। ये रोड की समस्या कम से कम 30 साल से है। यहाँ बारिश में घुटने पर कीचड़ आता है, कोई बीमार होएगा उनको यहाँ से दीघा तक जाने में बहुत परेशानी होती है। के पहले बहादुर बिष्ट थे, उसके बाद हमारे नगर सेवक अपना जगदीश गौते जी थे, हाँ, जो अभी तक यहाँ पे राज कर रहे थे, जिम्मेदार तो उनको ही माना जाएगा ना। स्कूल का समस्या है, इसके बाद एक गटर अच्छा नहीं है, जो बारिश में सबके घर में पानी आ जाता है, इसके बाद और क्या बताऊँ, बहुत से समस्या है। वो स्कूल गया, इधर हॉस्पिटल था वो भी गया, ये नगर सेवक का काम है वो रुकाना, वो रुकाया नहीं। लेकिन हम तो बोले हमको चुन के देने के बाद रुकाया तो छोड़ो, हम बनवा के देगा। तस्वीर में दिख रहा है 21वीं सदी के शहर नई मुंबई के दीघा प्रभाग 5 का वो इलाका है जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की आबादी बसती है, लेकिन यहाँ एक अच्छी सड़क तक नहीं है। और तो और यहाँ ना तो पर्याप्त शौचालय हैं, ना ही आरोग्य केंद्र बने हैं और ना ही बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं। सबूत के तौर पर सुभाष नगर और इल्ठन पाड़ा के इस इलाके को ही देख लीजिए। जी हाँ, यह धूल भरी सड़क विकास का डींग मारने वाले नगर सेवक और महानगर पालिका दोनों का पोल खोलती है। नागरिक बताते हैं कि यही हाल प्रभाग के पंढरी नगर, कन्हैया नगर और समाज मंदिर इलाके का भी है। आखिर इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? स्थानीय नागरिक बताते हैं कि बीते चुनाव में जगदीश गौते ने विकास का वादा करके वोट मांगा था, लेकिन नगर सेवक बनने के बाद सब कुछ भूल गए। फिलहाल नागरी सुविधाओं के कमी से जनता मुसीबत में है, लेकिन नगर सेवक जगदीश गौते मौज काट रहे हैं। जाहिर है अब जब मनपा चुनाव आ रहा है तब यह वादा खिलाफी जगदीश गौते के लिए भारी पड़ सकती है। पहली समस्या जो है वो हॉस्पिटल की, क्लिनिक की सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। यहाँ के बच्चे लोग को पढ़ने के लिए एरोली या दीघा में जाना पड़ता है, स्कूल की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ की जो वायरें आप देख रहे हैं ऊपर से, हाँ, मतलब कोई भी डबल महिला ये सब अगर किसी को निर्माण करना रहा कोई भी कार्य में तो बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है। अभी इनके पहले बहादुर बिष्ट थे, उसके बाद हमारे नगर सेवक अपना जगदीश गौते जी थे, हाँ, जो अभी तक यहाँ पे राज कर रहे थे, जिम्मेदार तो उनको ही माना जाएगा ना सर। ये रोड की समस्या कम से कम 30 साल से है। यहाँ बारिश में घुटने पर कीचड़ आता है, बाल बच्चे लोगों को, औरत महिलाओं को, कोई बीमार होएगा उनको यहाँ से दीघा तक जाने में बहुत परेशानी होती है। समस्या है ना, उनको नहीं मालूम था क्या? समस्या तो है ही है, और ये सब जनता भी देख रहे, नगर सेवक देख रहे, बड़े बड़े नेता लोग देख रहे कि आज से 30 साल से यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये मट्टी हमारे घर में देखी है, मंदिर में भी मट्टी जाके बैठती है। 25 साल से बोलूँगा तो हमारा पहला जो मुद्दा चल के खाली रोड का ही था। 25 साल से आज बनेगा, कल बनेगा, ये चुनाव में बनेगा, वो चुनाव में बनेगा, लेकिन रोड तो कुछ बने नहीं। बोले भोगदी से जाएगा, ऊपर से जाएगा, ऐसा बहुत आश्वासन दिया हमको, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस वार्ड में देखो, सबसे पहला तो रोड का समस्या है, दूसरा समस्या जो है लाइट की वायर ही देख रहे हैं आप, जो अंडरग्राउंड नहीं हुआ है। तीसरी समस्या ये है कि इधर स्कूल नहीं है और लोगों को समाज के लिए हॉल नहीं है। इसके बाद एक गटर अच्छा नहीं है, जो बारिश में सबके घर में पानी आ जाता है। इसके बाद और क्या बताओ, बहुत से समस्या है। मतलब रोड तो आज 30-40 साल से ये नहीं है, और बारिश हो गया तो पानी तो निकल ही नहीं पाता, ऐसे ऐसे गटर है, घरों में पानी घर में पानी भरता है, शौचालय का भी प्रॉब्लम है, शिक्षा के लिए भी दूर दूर बच्चों को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और मतलब बीमार हो बच्चा हम लोग को उनको दूर ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी नज़दीक नहीं है, गार्डन भी नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग को बहुत सी है। बताना जरूरी है कि प्रभाग 5 में 10 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है। 2010 के चुनाव में बहादुर सिंह बिष्ट जीते थे और 2015 के चुनाव में जगदीश गौते ने चुनाव में चीख चीख कर वादा किया था कि जीतेंगे तो सड़क सुधारेंगे, गटर फुटपाथ बनाएंगे, शौचालय और क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन सब कुछ भूल गए। फिलहाल जनता की इस मुसीबत को देखते हुए
भावी बीजेपी प्रत्याशी और समाज सेवक अनिल गौते नगर सेवक बनने से पहले ही अपने पैसों से सुभाष नगर की यह सड़क पक्की बनवाने में जुटे हैं। नागरिक जहां पिछले नगर सेवकों के निकम्मेपन से नाराज हैं, वहीं समाज सेवक अनिल गौते के कार्यों से खुश हैं और इस बार उन्हें ही अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। ये तो अभी तो इतने साल से हम लोग है 30-40 से, तो अभी तक नहीं हो सका है ये सब काम। तो अभी आ रहे हैं नगर सेवक को नहीं कर रहे, तभी तो ये सब काम नहीं हो पा रहा है। अगर ये नगर सेवक आए तो शायद कर दे, इसलिए इनको चुन के लाना चाहिए ऐसा हम लोग सोचते हैं। हाँ, आज मेरी उम्र 32 की हो गई है सर। हाँ, मैंने जो सपना बचपन से आज तक देखा था कि ये रोड कब बनेगा, कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ कभी आज तक ऐसा जाना भी नहीं था कि कोई ऐसा है जो भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में यहाँ पे आएगा। हाँ, ऐसा नेक काम हमारे अनिल काशीनाथ गौते जी ने, हाँ, अपने हाथों द्वारा और अपने पैसे से, अपने जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के सारा काम किया है। हाँ, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। ये टाइम में हम लोग पक्ष करके कुछ समझ रहे हैं, हम लोग विचार बदल दिया कि पक्ष करके हम लोग बैठे नहीं, विचार चल किया, विचार करके हम लोग सब मिल के मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपके रोड को विषय हम लोग जो आदमी खड़ा रहेगा उसको हम वोट देगा। अनिल गौते साहब तो हमारे हम लोग सब साथ साथ में है, लेकिन मालिक का खुद उनको जमीन है, वो खुद अपने मालिक से पैसा खर्चा करके जो जमीन से बस्ता बना दिया है। कि पहले दो नगर सेवक थे, बहादुर भी जगदीश गौते, अब ये काम किए होते तो यहाँ पे लोगों की समस्या नहीं होती, ये सच बात है। ये अनिल गौते खुद के जेब से पैसा खर्चा करके, जो कि नगर सेवक ना होते भी खुद के जेब से पैसा डाल के रोड बना रहे। तो इस समय तो अनिल गौते साहब ने देखिए रोड बनाया, आप देख रहे हैं, ये उनकी इच्छा है कि ये इसको डामरीकरण करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग जो है पक्ष देख के बैठते हैं। पक्ष नहीं देखना चाहिए, विकास को देखना चाहिए। जो कोई भी विकास करेगा उसी के पीछे भी रहना चाहिए लोगों को। जैसे कि अभी गौते साहब कर रहे हैं, अपने जेब से पैसा डाल के ये रोड बना रहे, सब कुछ वो कर रहे, तो यहाँ लोगों को अगर वार्ड क्रमांक 5 में विकास चाहिए तो उनको सब सपोर्ट करिए। टीवी वन इंडिया ने वार्ड परिक्रमा के दौरान प्रभाग 5 की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे नगर सेवकों से संपर्क करना चाहा, लेकिन वे नहीं मिले। हालांकि अनिल गौते जनता के बीच नजर आए, उन्होंने खुला आरोप लगाया कि प्रभाग 5 की मुसीबतों के लिए जगदीश गौते ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अब तक कोई विकास नहीं किया। अनिल गौते ने यह भी कहा कि अगर जनता उन्हें चुन कर देती है तो वे प्रभाग 5 का कायाकल्प करके दिखा सकते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। ये 5 नंबर में रोड का काम नहीं हुआ था, 5 अंदर आके गए, ये नगर चौक आके गए, लेकिन रोड का काम वो लोग ने किया नहीं। क्यों किया नहीं पता नहीं। अभी ड्रेनेज लाइन विष्णुनगर में हो गया, दीघा में हो गया, यादव नगर में हो गया, लेकिन इधर नहीं हुआ। वो स्कूल गया, इधर हॉस्पिटल था वो भी गया, ये नगर सेवक का काम है वो रुकाना, वो रुकाया नहीं। लेकिन हम तो बोले हम को चुन के देने के बाद रुकाए तो छोड़ो, हम बनवा के देगा, वो भी कॉरपोरेशन के फंड से बनवा के देगा। रोड तो मैं बनवाया मेरे फंड से, लेकिन वो भी मैं कॉरपोरेशन फंड से बनवाएगा, बहुउद्देशीय इमारत बनाएगा, और मैं खुद का जेब में हाथ डाल के रोड बनवाया, डांबर डाल के वो भी। और लोग अभी बहुत खुश हो गए, नाना सब बोलता है नाना नाना नाना। आज जैसा मोदी चल रहा था तो अभी नाना नाना चल रहा है 5 नंबर में। रिपोर्ट टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।